ओम शांति। 15 जनवरी 2024 की मुरली। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। पहले बच्चों को बाप का परिचय मिला है। जैसे छोटा बच्चा पैदा होता है तो उनको पहले माँ बाप का परिचय मिलता है। तुम्हारे में भी नंबर वार मना कोई कम कोई ज्यादा पुरुषार्थ अनुसार है, जिनको रचता बाप का परिचय मिला है। जब कोई आते हैं तो पहले बाप की महिमा जरूर बतानी है। वह सुप्रीम बाप है। पहले तो यह समझाना है कि वह सुप्रीम बाप है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तीनों को याद करना पड़े। यूं तो याद शिव बाबा को ही करना है तीनों रूप में। तो पहली बात पक्की करनी है कि बाप है सत्य। वही सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं। नर से नारायण सत्य बाप ने बनाया है। आजकल भल शिव से योग लगाते हैं, पूजा करते हैं, परंतु जानते उनको कोई नहीं। यह भी नहीं समझते कि प्रजापिता ब्रह्मा जरूर साकार दुनिया में ही होगा। समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा तो पहले सतयुग में होना चाहिए। अगर सतयुग में प्रजापिता ब्रह्मा हो तो फिर सूक्ष्म वतन में क्यों दिखाया है? अर्थ नहीं समझते। यह साकार है कर्म बंधन में, वह सूक्ष्म है कर्मातीत में। बाप समझाते हैं आत्मा को ही पतित से पावन बनना है, पवित्र बनकर चली जाएगी अपने धाम। आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती हैं, साकारी है यहाँ। बाकी सूक्ष्म वतन की कोई मुख्य कहानी है नहीं। सूक्ष्म वतन का राज भी बाप अभी समझाते हैं। तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर है स्थूल वतन। भक्ति मार्ग में भी बाबा को हे भगवान, हे प्रभु कहते हैं। हमेशा कहते हैं शिव परमात्माए नमः। शिव देवता कभी नहीं कहेंगे, ब्रह्मा देवता कहेंगे। शिव को परमपिता परमात्मा ही कहते हैं। शिव देवता कभी नहीं कहते, शिव परमात्मा ही कहेंगे। अभी संगम पर तुम हंसते बहलते रहते हो। बेहद का बाप मिला, बाकी क्या चाहिए? बाप पर तो कुर्बान होना है। बाप की ही महिमा करो। इतने गुण सिवाय बाप के और किसी के हो नहीं सकते। वही गुणवान बनाते हैं। बाप ही सतयुग की स्थापना करते हैं। कोटों में कोई विजय माला का दाना बनते हैं। बाकी प्रजा तो बननी ही है नंबर वार। कितने ढेर बन जाएंगे। बाप समझाते हैं बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं। तुम्हारा खान पान भी अच्छा चाहिए। तुम्हें कभी यह आश नहीं रखनी है कि मैं फलानी चीज खाऊं। बाबा हर एक को समझ सकते हैं कि यह कुछ उन्नति को पाएंगे वा नहीं। पिछाड़ी में आने वाले उनसे आगे चढ़ जाएंगे। आगे चलकर तुम सब देखेंगे, अब भी देख रहे हो, नए बच्चे सर्विस में कितने उछलते हैं। अच्छा, आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे पावन बनने के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है। यही मुख्य सब्जेक्ट है। इस योग बल से तुम सर्विसेबल गुणवान बन सकते हो। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे जो योग सीखते हो, यही सबसे निराला योग है, कैसे? उत्तर है, आज तक जो योग सीखते या सिखाते आए, वह मनुष्यों का मनुष्यों के साथ योग जुटा। लेकिन अभी हम निराकार के साथ योग लगाते हैं। निराकार आत्मा निराकार बाप को याद करे, यह है सबसे निराली बात। दुनिया में कोई भगवान को याद भी करते तो बिगड़ परिचय। ऑक्यूपेशन के बिना किसी को याद करना यह भक्ति है। ज्ञानवान बच्चे परिचय सहित याद करते हैं।
धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, पतितों को पावन बनाने की सेवा करो, गणिकाओं वैश्याओं को ज्ञान दो, गिरे हुए को उठाओ, उनका उद्धार करो, तब नाम वाला हो। दूसरा है, स्वयं की दृष्टि को पवित्र बनाने के लिए चलते फिरते अभ्यास करो। हम आत्मा हैं, आत्मा से बात करते हैं, बाप की याद में रहो तो पावन बन जाएंगे। आज का वरदान है, अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने और कराने वाले संतुष्ट मनी भाव। अपने अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में लाओ और उसी स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट रहेंगे और औरों को भी संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करा सकेंगे। असंतुष्टता का कारण होता है अप्राप्ति। आपका स्लोगन है, पाना था वो पा लिया, बाप का बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। ऐसी अधिकारी आत्माएं सदा भरपूर संतुष्ट मनी होंगी। आज का स्लोगन है, बाप समान बनने के लिए समझना, चाहना और करना, इन तीनों की समानता हो। ओम शांति।